अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ एकदम। तो चलिए सुनते हैं कहानी अनकही मोहब्बत की, एपिसोड 61। तो सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो पंखुरी है वो एकदम से जब महिषा को देखती तो भाई वो तो देखती ही रहती है, वो कुछ बोल ही नहीं पाती। वो एक टक सिर्फ महिषा को देख रही थी। महिषा जो है वाइट साड़ी में इतनी गजब लग रही थी ना कि क्या ही बोले। ऊपर से उसकी वो चिकनी सा कमर, क्योंकि उस फिगर स्लिम है ना। और जो महिषा है वो ड्रेसिंग टेबल के सामने जो अपने बाल बना रहे थे, और पंखुरी जो पीछे से देखती तो वो जो है वो बस देखती ही रहती है। तभी वो एकदम से महिषा के पास जाती है और एकदम से बोलती कि ये क्या है। तभी एकदम से जो महिषा है वो एकदम से पीछे पलटती है तो देखती है पंखुरी है, तो बोलती कि ओ आपका हो गया, तो हमें लेट हो रहे हैं, चले। तभी एकदम से पंखुरी बोलती कि वेट ए मिनट, चले मतलब कहाँ चले? तो बोलती कि अरे हमें पार्टी में जाना है, भूल गई क्या? तो बोलती अच्छा तुम पार्टी में जा रहे हो? तो बोलती कि हाँ मैं पार्टी में जा रही हूँ। तो बोलती अच्छा ये साड़ी में तुम पार्टी में जा रही हो? तो महिषा को बोलती कि हाँ मैं ये साड़ी में ही पार्टी में जा रही हूँ, इसमें क्या है? तो बोलती कि सीरियसली महिषा, ये तुम ये साड़ी पहन के तुम जाओगी? तो बोलती कि ये साड़ी पहन के कि क्या मतलब है आपका? तो बोलती कि मतलब ये चिकना सा कमर जो है तुम्हारा वो तो दिख पा रही हूँ मैं, और ये वो एकदम से उसकी उसको एकदम से अपनी तरफ करती है, और ये जो तुम्हारी पेट की तरफ ये जो साड़ी है इसका प्लेट जो है तुम ठीक से बांधो, क्या दिखा रही हो? तभी एकदम से महिषा बोलती कि बोल क्या रही हो आप, ये साड़ी तो ऐसे पहनती है। बोलते अच्छा ऐसे कमर दिखा के और पेट दिखा के? तो बोलते अच्छा आप नहीं पहनते हो क्या? तो बोलती कि वो सब बातें छोड़ो, तुमको किसने कहा साड़ी पहनने के लिए? तो बोलती कि यार किसी की बोलने की क्या ज़रूरत है, मेरा मन किया तो मैं पहन लिया, इसमें क्या है? आप चलो हमें देर हो रही है। तभी एकदम से बोलते अच्छा ये साड़ी पहन के तुम मेरे साथ जो है पार्टी में जा रही हो, और वहाँ के सारे लोग जो है तुम्हें घूर घूर के देखे, ठीक है ये चाहती हो तुम? तभी एकदम से महिषा जो बोलती कि क्या बोल रहे हो आप, सारे लोग मुझे क्यों घूर के देखेंगे, ये क्या बात है? बोलती कि हाँ तो क्या देखेंगे, एक तो तुम्हारा ही पीछे से कमर इतनी, मैं क्या ही कहूँ, इतनी डैशिंग लग रही कि यार मैं तो नज़रें नहीं हटा पा रही हूँ, तो लोग क्या करेंगे? अभी महिषा जो है अपने सर पे हाथ मारती है, बोलती है खुदा क्या करूँ मैं आपका? तो बोलती कि क्या करोगे तुम? पहले ना ये एकदम से उसकी जो साड़ी की जो पल्लू है वो लेती है और उसकी कमर से पकड़ती है और पेट के यहाँ पे आके गूंज देती है। तभी एकदम से महिषा बोलती कि क्या कर रही हो, ऐसे थोड़ी ना साड़ी पहनते, मैं कुछ काम थोड़ी ना कर रही हूँ। तो बोलती अच्छा तो पल्लू इतना छोटा क्यों रखा तुमने? तो बोलती कि आप भी ना, हमें देर हो रही है चलो ना। तो एकदम से पंखुरी बोलती मुझे जाना ही नहीं है, अगर मेरे साथ जाना है तो तुम ये जो है साड़ी चेंज करो। तभी एकदम से महिषा कहती है मैडम साड़ी जो है चेंज अभी नहीं हो सकती क्योंकि लेट हो चुकी है, आपको नहीं जाना तो आप रूम पे रहो मैं चली। तभी एकदम से पंखुरी बोलते अच्छा मुझे ना लेके जाओ, और पता नहीं वहाँ लोग तुम्हें कैसे कैसे देखेंगे। तो एकदम से महिषा बोलती कि यार चाहती क्या हो आपको लेके जा तो रही हूँ, आपको वो भी नहीं मंजूर, मैं साड़ी नहीं चेंज कर सकती, आपको ये भी नहीं मंजूर, तो मैं करूँ तो क्या करूँ? तो पंखुरी चुप हो जाती है। तभी एकदम से महिषा बोलती कि आप ना ये सब छोड़ो, हमें लेट हो रही है, चलो मेरे साथ। तभी एकदम से महिषा देखती है कि पंखुरी की माँ में सिंदूर नहीं है। तो एकदम से महिषा बोलती है ये आपका सिंदूर? तो बोलती कि वो पानी में भीगने के चक्कर में शायद चला गया। तो बोलते अच्छा मैं दे दूँ? तो बोलती कि दे दो। तो महिषा सिंदूर लेके उसकी माँ में भरती है। तभी एकदम से पंखुरी भी बोलती कि ये सिंदूरदानी मुझे देना, तो देती है। और एकदम से पंखुरी भी थोड़ी सी सिंदूर लेती है और एकदम से महिषा की मांग के तरफ जब वो हाथ बढ़ाती है तो महिषा एकदम से पकड़ लेती है, बोलती कि क्या कर रही हो आप,
तो बोलती कि क्यों अपना धब्बा लगा रही हो। तभी एकदम से मायशा घूर के देखते, बोलती कि क्या मतलब। बोलते तुम ऐसे सवार के जो है पार्टी में जा रहे हो ताकि लोग तुम्हें घूर घूर के देखें, ये तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। कम से कम ये सिंदूर जो है तुम्हारी मांग में रहेगी, तो लोगों का वो होता है ना कि बंदी मैरिड है तो उस नज़रों से नहीं देखेगा। तो भाई माशा जो अपने मन में बोलती है, बाप रे बाप, लड़की है या आफत, पता नहीं क्या ही सोच रखती है दिल में। अभी वो बोलती कि वो एकदम से उसकी हाथ पकड़ती, वो सिंदूर जो है वो जो सिंदूरदानी में रख देती है और बोलती कि देखिए आप ऐसे हरकतें मत करें, चलिए आप। तो एकदम से उसे खींच के जो है ले जाने लगता है। होटल से बाहर आते हैं ये लोग। जो पार्टी है वो टेरेस के साइड पे, एक फ्लोर नीचे है टेरेस से। तो ये लोग जो है लिफ्ट ऑन करते हैं, तो लिफ्ट में जो है एक लड़का था। तो एकदम से जब लिफ्ट ओपन होती है तो भाई वो लड़का तो एक टक मायशा को देख रहे थे। तभी एकदम से पंखुरी बोलती कि बाहर निकालो लिफ्ट से। तो बोलती कि क्यों, तो बोलती कि हमें इस लिफ्ट में नहीं जाना, दूसरे वाले से जाना है। तभी मायशा भी घूर के देखते, बोलती कि क्या है। तो बोलती कि जाओगी कि नहीं, वरना ना मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो मायशा भी लिफ्ट से बाहर हो जाती है। वो एकदम से बोलती कि आपका क्या है यार, ये थोड़ी ना प्राइवेट लिफ्ट है, लोग तो लोगों का आना जाना तो होगा। तो बोलती कि हाँ आना जाना ठीक है, लेकिन ऐसे घूर के क्यों देख रहा था। मायशा जो कुछ नहीं कहती। ये लोग जो है साइड पे, दो लिफ्ट होते हैं साइड पे, जो लिफ्ट है उस लिफ्ट से जाते हैं, उस लिफ्ट खाली था। पार्टी में जाते, पार्टी तो थी भाई ऐसी वैसी पार्टी नहीं, बहुत बड़ा पार्टी था। म्यूजिक श्यूजिक सब फुल ऑन था एकदम। ये लोग जब जाते हैं वहाँ पे, जो स्टाफ होते हैं इन दोनों का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, एक वेलकम ड्रिंक के साथ। तो जो मायशा का जो वॉक, मानी मतलब जो वॉकिंग, जो उसका जो स्टाइल होती है ना इस साड़ी में, गजब की होती कि ना देखने वाले के भी एकदम से उसकी तरफ नज़र पड़ती ही है, ऐसा होता है उसका साड़ी में। तो जब वो एक तरीके से वो वेलकम ड्रिंक की गलास अपनी हाथ में पकड़ती है और एक चलने लगती है ना, तो वहाँ के कुछ लड़के का नज़र भी एकदम से मायशा की तरफ होती है। चलने की वजह से जो मायशा की साड़ी, जो क्योंकि जॉर्जेट थी, मतलब सिल्क की साड़ी थी ना, तो हल्का सा भी वो हवा से वो उसकी साड़ी जो है थोड़ा सा जाती, तो उसका पेट की एक तरफ से पूरा दिख पा रही थी और उसका नेवल भी थोड़ा सा दिख रहा था। तो भाई देखने वाले का तो दिल वहीं पे थम जाती है, क्योंकि मायशा का नेवल है तो बहुत अट्रैक्टिव। तभी पंखुरी की भी एकदम से नज़र जो है जाती है, तो देखती है कि वहाँ पे खड़े हुआ कई चार पांच लोग जो है मायशा को घूर घूर के देखने लगते। तो वो बोलती कि इसको देख रही है, तो वो एकदम से थोड़ी सी आगे आती है मायशा के, एकदम मायशा की तरफ पलटती है। तो भाई जब पलटती है तो देखती है कि उसकी पेट के साइड पे सारी जो है थोड़ा सा हट गया है। ये देख के पंखुरी की गुस्सा तो भाई क्या ही कहे। वो एकदम से बोलती है एक मिनट रुको। तो मायशा भी रुकते, बोलती कि हाँ जी क्या हुआ। तो बोलती कि ये सारी को ना आग लगा दूंगी मैं। तभी मायशा घबरा जाते, बोलती कि क्या बोल रही हो आप। तो बोलती कि ये जो पेट ना दिख रही ना, पता नहीं मैं क्या कर जाऊँ, ये या तो ये सारी संभाल लो या मैं खुद को मैं कुछ ना कर जाऊँ। तो एकदम से तो पंखुरी जो है, मायशा जो है एकदम से उसके पास जाती है, उसके हाथ पकड़ते, बोलती रिलैक्स, ठीक से बोल दो, मैं समझ ही नहीं लास्ट वाली बात। तो बोलती कि दिमाग ना मत खराब करो, बस यही बोली कि ये जो साड़ी है ठीक से पहनो और अपनी पेट और कमर को दोनों ही संभाल के रखो। तो बोलती कि यार मेरी क्या कसूर है। तो बोलती कि तुम्हारी सबसे बड़ा कसूर ये है कि तुम पार्टी में साड़ी पहन के आई, वो भी मेरे साथ। वो मायशा कुछ नहीं बोलती। फिर जब वह थोड़ी सी अपनी साड़ी को ठीक करती है, इधर पंखुरी की मूड तो इतनी ज़्यादा ख़राब थी, वो बस पीछे पीछे चल रही थी, कभी आगे चलती है कभी पीछे चलती है, ताकि कोई मायशा को ठीक से देख नहीं पाते। फिर जो है ये लोग एक कॉर्नर साइड पे जाते हैं, जहाँ पे कुछ जो है थोड़ी सी बातें शाते किया जाता है, जो होटल का जो
मालिक है वो आते हैं, कुछ बातचीत होती है, फिर वहाँ पे डिनर का भी इंतज़ाम किया जाता है। तो सब लोग डिनर लेते हैं, खाने लगते हैं, तभी वहाँ पे एक लड़का जो है एक साइड से उठ के आता है और एकदम से मायशा के सामने खड़ा हो जाता है और एकदम से बोलते कि हेलो, नाइस टू मीट यू, क्या आप यहाँ पे रुके हो? तभी एकदम से मायशा तो पंखुरी के साथ कुछ बात कर रही थी, तो जब एकदम से पंखुरी उस लड़के को देखते तो भाई उसका गुस्से का पारा, तभी मायशा तो कुछ जवाब नहीं देती, तभी एकदम से पंखुरी बोलती कि नाइस टू मीट यू टू, आप कौन? तो लड़का एकदम से पंखुरी की तरफ देखते वो एकदम से बोलती मैं आपकी बहन के साथ बात कर रही हूँ। तो जब एकदम से ये बोलती है तो भाई पंखुरी एकदम से टेबल पे हाथ मारती है और एकदम से खड़ी हो जाती है, बोलते क्या बोला तूने? तभी एकदम से मायशा जो है उसकी हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि क्या कर रही हो आप, शांत हो जाओ। तभी मायशा जो उस लड़के को बोलते एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे बात नहीं कर सकती, आप प्लीज़ डिस्टर्ब मत कीजिए, कैन यू लीव? तो लड़का जो है एकदम से चला जाता है और जाते वक्त बोलते हाउ रूड यार, वो लड़का चला जाता है। इधर पंखुरी जो है उस लड़के को घूर घूर के देख रहे थे, तभी वो एकदम से मायशा की तरफ घूर के देखते बोलते मिल गई तुम्हारी कलेजे को ठंड, मिल गई? जब मैंने इतनी बार कहा था मेरी तो बात नहीं सुनी तुमने, एक थोड़ा सा सिंदूर लगा लेती आज के लिए क्या हो जाता? तभी एकदम से मायशा बोलती कि क्या भूल रहे हो आप, मैं वो नहीं लगाती ना, तू तो नहीं लगाती तो लगा लेती आज झूठ मूठ कहीं से ही। तो बोलती क्या हो गया? तो बोलती कि क्या हुआ बहन हो तुम मेरी? तो बोलती ठीक क्या बोल रहे हो आप, मैं भला बहन क्यों होंगी आपकी? तो बोलते अच्छा या तो लोग मुझे टैग दे रहे हैं। तो बोलते अरे आप भी ना, वो थोड़े ना समझ रहे हैं। तो बोलते अच्छा थोड़े ना समझ रहे हैं, मैशा मेरी ना दिमाग हो चुकी है ख़राब, तुम करो डिनर मैं चल रही हूँ। वो एकदम से जो जाने लगते हैं, तभी मायशा भी पीछे पीछे जाती है, तभी एक और लड़का मायशा के सामने आ जाता है और बोलती कि मैम आपसे थोड़ी देर बात कर सकते हैं क्या? तभी जब एकदम से पंखुरी एकदम से आवाज़ सुनती तो पीछे पलटती है तो देखती है मायशा के सामने एक लड़का खड़ा है। तो मायशा बोलती कि हाँ बोलिए। तो बोलती कि हाँ मैंने आपको देखा जब आप एंटर कर रहे थे, आप सच में बहुत खूबसूरत हो। तो मायशा तो कुछ नहीं बोलते, बस बोलती कि थैंक यू, वैसे आपको बात क्या करनी है? तो वो बोलते कि वो एक्चुअली मैं नहीं, मतलब वो जो लड़का है वो सीधे तरीके से तो बात नहीं कर सकता था, फ्लर्टिंग तो करना चाहता था लेकिन उस शायद घबरा रहा था। वो एकदम से बोल देता है कि एक्चुअली मेरी बहन को ना आपका ये जो साड़ी है ये बहुत पसंद आया, तो आप कहाँ से ख़रीदा ये? तभी एकदम से पंखुरी वो एकदम से जाते उस लड़के को थोड़ा साइड करते और एकदम से बोलते देखिए किसी लड़के के सामने ऐसे अचानक नहीं आना चाहिए, रिस्पेक्टफुल बनिए या रिस्पेक्ट दीजिए, थोड़ा दूर से बात कीजिए। तो वो लड़का तो चुप हो जाते हुए एक टक पंखुरी को देखने लगते। तभी वो लड़का एकदम से बोलती आप कौन? तो ये पंखुरी भी एकदम से बोलते मैं जो भी हूँ क्या फ़र्क पड़ता है, बस इनसे दूर रहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए और सारी ये सारी ना आपको कहीं पे भी जाके मिल जाएगा। अब जाके बोलो कि वाइट कलर साड़ी, तो आपको बहुत सारा जो है डिज़ाइन वाली साड़ी दे दिया देगा, तो आप चूज करके अपनी बहन को देना ठीक है भैया? वो एकदम से ये बोल के मायशा को घूर के देख के एकदम से बोलती कि तुम चल रही हो या नहीं? तभी मायशा इतनी ज़्यादा घबरा जाती, बोलती कि चल चल रहे हैं? तो बोलती कि हाँ चल जाओ। तो ये जो है वो एकदम से जाते हैं, जो मायशा वो पीछे भागती है पंखुरी की, पंखुरी की तो भाई गुस्से में आग बबूला हो चुकी है, वो खुद से ही बातें करते हुए जाते हैं कि बड़ी आई जब मैं बोल रही थी मेरी एक भी बात नहीं सुनी, सब लोग उसे घूर घूर के देख रही थी, जो मायशा वो उसके पीछे पीछे आ रही थी। तभी एकदम से जब लिफ्ट की डोर ओपन होती है तभी मायशा भी एकदम से अंदर जाते हैं लिफ्ट में और जो है वो ऊपर की तरफ
जो टेरेस साइड की तरफ है, वो एकदम से वो बटन एकदम से कर देती है। तभी एकदम से माश अंकल बोलती है, दिमाग ख़राब है क्या, हमें नीचे जाना है ऊपर नहीं। तो बोलते कि वो यहाँ से बाहर का नज़ारा अच्छा होता है, तो सोचा एक बार देख ले। तो बोलता अच्छा, पता नहीं और क्या क्या नज़ारे दिखाओगे तुम, अभी तो लोगों के नज़ारा देखते देखते हमारी आंखें तरस गए अब। तभी एकदम से मायशा बोलती कि ऐसे क्यों बोल रहे। तो बोलते कि तुम ना दिमाग ना मेरा मत खराब करो मायशा, वैसे ही दिमाग मेरी सटकी हुई है, अब हाथ ना उठ जाए तुम्हारे ऊपर। मायशा चुप हो जाती है इंस्टेंट। इधर पंखुरी जो है वो इतनी में गुस्से थी जो उसकी कुछ गुस्से में उसकी नाक थोड़ा सा लाल हो जाता है। फिर जो है एकदम से ऊपर की जो है टेरेस पे लोग लिफ्ट, टेरेस तक जो है वो लिफ्ट था, तो एकदम से जब वो अंदर बाहर आते हैं तो उस होटल का एक अलग ही होता है कि टेरेस पे भी एक जो है स्विमिंग पूल होता है, और एक साइड पे जो है बैठने के लिए कुछ स्पेशल वे में जो है सोफ़ा वगैरह जो है रखा गया है, अलग ही जो है व्यू दे रहा था उस टेरेस का। तो एकदम से जब वो लोग जाते हैं तो देखते हैं पंखुरी पूल साइड तो वो देख पाती है, लेकिन दूसरी साइड पे ना एकदम अंधेरा सा था। तो वो एकदम से बोलती कि ये अंधेरा क्यों है भाई। तो फिर माशा बोलती कि वो मुझे थोड़ी ना पता है। तो बोलती कि तुम्हें नहीं पता तो किसको पता। तो बोलती कि मुझे कैसे पता, मैं पहली बार आई हूँ। तो बोलते ठीक है तुम पहली बार आई हो, ये वो वगैरह वगैरह। तभी वो बोलती कि क्या हुआ आप इतनी गुस्से में क्यों है। तभी एकदम से पंखुरी उसके पास जाती और वो उसकी हाथ पकड़ते बोलते अच्छा तुम्हें नहीं पता क्या। तो बोलती कि मुझे कैसे। तो बोलते अच्छा मुझे कैसे पता, ये साड़ी मैंने मना किया था ना कि ना पहन के आओ। तो बोलती क्या थोड़ी देर के लिए। तो बोलते अच्छा थोड़ी देर के, मैंने कितनी बार कहा तुम्हें साड़ी पहननी है ना तो मेरे सामने पहना करो, रूम में पहना करो, बाहर कोई तुम्हें इस अंदाज में ना देखे। और कैसे कैसे घूर रहा था। तो एकदम से वो बोलती कि ये जो पल्लू है वो तुमने जान बुझ के छोटी रखी ना। तो बोलती कि नहीं वो ऐसे ही रह गया। तो बोलते अच्छा पागल तो मैं हूँ नहीं, मुझे पागल बनाते जाओ। तो बोलती कि क्या भी ना। तभी जो है पंखुरी एकदम से वो टेरेस के एक कॉर्नर पे साइड पे आ जाते हैं जहाँ से समुद्र की व्यू जो है बहुत अच्छे देख रही थी, क्योंकि रात तो हो चुकी थी। तो जो है वो एकदम से मायशा उसके पास जाते बोलती कि ये इतना क्या गुस्सा, आपने तो पार्टी इंजॉय भी नहीं किया, हमने बस गए बैठे खाना खाए और आ गए, और अब कितने सारे जो है परफॉर्मेंस हो रहे थे, डांस हो रहे थे, गाना हो रहा था, हम बैठ के आ सकते थे ना। तभी एकदम से मायशा बोलते हैं हाँ। पंखुरी एकदम से बोलती कि हाँ, ताकि और लोग आए और तुम्हें इस उस नज़रों से जो है देखते रहे और मेरा दिल जो है जलता रहे, ये तो चाहती हो ना तुम। तो मायशा फिर से चुप हो जाती है और अपने ही मन में बोलती है इनका ना कभी कुछ नहीं हो सकता, इनको ना मैं समझा सकती हूँ और ना ये खुद समझेगी। इधर पंखुरी जो है दूसरी तरफ फेस कर लेती है, वो बस समुद्र की उस साइड पे देख रही थी, एकदम चुप हो जाती है। तभी मायशा एकदम से उसके पास जाती है, उसके हाथ को पकड़ती है और एकदम से बोलती कि अच्छा सॉरी ना, नाराज़ तो मत हो। तो पंखुरी जो उसे कोई जवाब नहीं देती। तभी एकदम से जो मायशा है वो एकदम से उसके पीछे जाती है, एकदम से उसे जो पीछे से हक करती है, और हक पहले तो हक करती है, तभी एकदम से पंखुरी बोलती कि डोंट डू दिस मायशा, अभी फ़िलहाल नहीं, मेरा दिमाग थोड़ा सा ख़राब हुआ हो के रखा है, पता नहीं मैं क्या क्या बोल जाऊँ, अभी थोड़ा सा डिस्टेंस रखो मुझसे, वैसे भी तो तुम्हें डिस्टेंस ही रहना है पसंद है, वही अच्छा है। तभी एकदम से मायशा जो है छोड़ती नहीं, उसके और थोड़ा सा टाइटली हक करते हैं, बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपसे कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना है। तभी एकदम से पंखुरी बोलते मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं, सो फिलहाल मुझे छोड़ो। तभी एकदम से मायशा बोलती है कि छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है,
इस बार ऐसे पकड़ा है कि जिंदगी भर नहीं छोड़ना है आपको। तभी एकदम से पंखुड़ी बोलती कि ये सब बातें ना मत करो तुम, प्लीज़ दिमाग वैसे ही मेरा सटकी हुई है, ऐसे बातें अब मत करो। तभी एकदम से मायशा जो है उसे हक किए हुए थे तो उसे एकदम से छूते और एकदम से उसकी आंखों में अपने हाथ रख लेती है। तभी पंखुड़ी एकदम से चिल्ला के बोलती कि व्हाट द हेल, क्या कर रही हो तुम, ये क्या बात है, ये क्या हरकत है। तभी एकदम से जो है पंखुड़ी एकदम जो मायशा एकदम से उसके करीब जाती है, उसके कान के पास जाके एकदम से उसके कान में थोड़ा सा हल्का सा बाइट करती है। जब वो बाइट करती है भाई, पंखुड़ी की हालत वही पे इंस्टेंट ही ख़राब हो जाती है। उसकी दिल की धड़कन एकदम से तेज़ हो जाती है, वो एकदम चुप हो जाती है शांत। तभी एकदम से मायशा उसके कान में बोलती कि सॉरी, इसके अलावा आपको चुप कराने का कोई रास्ता नहीं था। पंखुड़ी फिर भी कुछ नहीं कहती, वो बस शांत रहती है। तभी धीरे से जो है मायशा फिर से उसकी कानों में बोलती कि बस एक मिनट ऐसे ही रहिए, फिर मैं खुद ही आपकी आंखों से हाथ हटा दूंगी। तभी पंखुड़ी जो है अपनी थोड़ी सी लो वॉइस में बोलती पर पकड़ी कि वो तुम तो बोलती कि थोड़ा सा इंतज़ार तो कीजिए। तो एक मिनट तक जो है वो एकदम से जो है वो करती है इंतज़ार। तभी एक मिनट के बाद एकदम से पंखुड़ी की आंखों से वो हाथ जो है हटा लेती और एकदम से बोलती कि अब आंखें खोल लिए। तभी जब एकदम से पंखुड़ी आंखें खोलती है तो पीछे पलट रही थी, तभी एकदम से मायशा उसकी शोल्डर को पकड़ लेती, बोलती नहीं सामने देखिए। तभी एकदम से मायशा, यार ये नाम में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, आप जो है एडजस्ट कर लीजिएगा। जो पंखुड़ी है वो एकदम से सामने देखती है, तो जब सामने का नज़ारा देखती तो शौक होती है क्योंकि सामने ना लिखा हुआ था जो समुद्र की थोड़ा सा आगे शायद कुछ लाइटिंग वगैरह से लिखा हुआ था कि आई लव यू, एक आई लिखा था, एक जो है लव शेट जो है वो लिखा था और यू, सिर्फ तीन वर्ड और साइड में पंखुड़ी जी। जब पंखुड़ी ये देखती है तो वो बहुत शॉक हो जाती है, वो एकदम से पीछे पलटती है। तो जब पीछे पलटती है तो देखती है कि जो मायशा है वह साड़ी में ही अपने नीज में बैठी थी। हाँ उसे थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है लेकिन वो बैठी थी और अपने कान पकड़े हुई थी। जो पंखुड़ी है उसे एक टक देखने लगती है, तो पंखुड़ी जल्दी जल्दी जाते उसे उठाती है, बोलती कि कान क्यों पकड़ी हो तुम, तो वो एकदम से बोलती वो कल के लिए आई एम सॉरी। तो पंखुड़ी चुप हो जाती है, तो मायशा एकदम से उस उठती है और उसे एकदम से पंखुड़ी को हक कर लेती है और बोलती कि वो कल आप नशे में थी, मुझे लगा कि आपको वो मोमेंट्स याद हो या ना हो, इसलिए मैंने बस थोड़ी सी दूरी बना के रखी, और क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको आपकी जो फेवरेट मोमेंट्स है वो कभी धुंधली सी याद आए। मायशा पंखुड़ी बस एक तक मायशा की बातें सुन रही थी चुपचाप। फिर मायशा बोलती कि और आप जो कल बार बार मुझसे पूछ रही थी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ कि नहीं करती, सच कहूँ ना, जब भी आप मेरे आंखों से उछल होती हो ऐसा लगता है ना कि मैं सांस नहीं ले पाती, मेरे दिल की धड़कनें कम हो जाती है, मैं ठीक से सांस ले नहीं पाती, ऐसा लगता है कि मेरे दिल से एक बहुत अनमोल सा चीज़ है जो दिल से बाहर हो गई है, और जब तक वो मुझे नहीं मिलती ना मैं बेचैन सी रहती हूँ। अगर इसका मतलब क्या मैं आपसे प्यार करती हूँ तो हाँ करती हूँ आपसे, आपकी बातें जब भी सुनती हूँ ना ऐसा लगता है कि मैं
जिंदगी भर ये बातें सुनकर रह सकती हूँ आपके साथ। अगर ये प्यार है तो हाँ प्यार है आपसे। आपकी ये पॉजिटिवनेस जो मेरे लिए है, ये अलग ही सुकून देती है मुझे, पता नहीं क्यों। अगर इसका मतलब प्यार है तो हाँ है मुझे आपसे प्यार। एक्चुअली मेरा ना बचपन से जैसे मैं बड़ी हुई हूँ ना, मेरा अलग ही है। मैं अपने दिल की फीलिंग्स को कभी जाहिर नहीं कर सकती, ये मेरी प्रॉब्लम है। शायद इस प्रॉब्लम की वजह से मैं अब मेरे अपने को भी कभी कभार बहुत हर्ट कर देती हूँ, और आपको भी शायद बहुत बार हर्ट कर चुकी हूँ। आप हमेशा से मुझे प्यार करते रहे हो, बोल के करते रहे हो कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत करती हूँ, लेकिन मैं ये आपकी तरह इजहार नहीं कर सकती, मेरी आदत नहीं है। लेकिन ये मानिए कि आपका मेरे पास होना, वो मुझे अच्छा लगता है, मेरे दिल को सुकून मिलता है। आप होते हो तो मैं होती हूँ, आपकी हंसी से मेरी हंसी रोशन होती है, आपकी रोने से मेरे दिल को तकलीफ़ पहुँचती है, आपकी दर्द से मुझे वो दर्द महसूस हो जाती है। अगर ये प्यार है तो हाँ है मोहब्बत मुझे आपसे, बहुत है अनकहीं मोहब्बत है आपसे। मेरी मोहब्बत जैसे आप करती हो ना, ऐसे थोड़ी नहीं होती है, लेकिन हाँ मेरी मोहब्बत आपको मेरी एक्शन से शायद पता चल जाएगी, शायद पता है भी आपको। मैं हर वो कपल की तरह आपको पैम्पर में नहीं रख सकती, क्योंकि मेरी वो आदत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हो मेरे लिए। मेरी ज़िंदगी में पहले तो सिर्फ दो इंसान थे, मेरा मम्मी और मेरा भाई, फिर तीसरा आया आप, और अब तो आपके साथ साथ और कई रिश्ते भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो ये सारे रिश्ते जो है मैं अपने साथ रह के ज़िंदगी भर निभाना चाहती हूँ, और उन रिश्तों में से आपका रिश्ता बहुत अलग है मेरे से। अगर इसका नाम मोहब्बत है तो हाँ है मोहब्बत आपसे, बहुत है। जब आप मुझसे नाराज़ होती हो, मुझे इग्नोर करती हो, ऐसा लगता है कि मेरे दिल को ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मेरे दिल में दर्द होते हैं, मैं उस तकलीफ़ को ना सह नहीं सकती। ज़िंदगी में बहुत सारे तकलीफ़ को झेली मैंने, लेकिन आपकी इग्नोरेंस, आपकी दर्द, वो तकलीफ़ मैं सहन नहीं कर पाती, पता नहीं क्यों। लेकिन अगर आप इसको प्यार कहते हो तो हाँ प्यार है मुझे आपसे, बहुत है। जो मायशा है वो पंखरी को वैसे ही टाइटली हक करके ये बातें बोल रही थी, और ये बातें सुन के पंखरी की आंखों से अब नमी उतर रही थी, एक एक आंसू उसकी आंखों से निकल रही थी। तभी एकदम से मायशा को सिसकियों की आवाज़ आती है, तो थोड़ी सी पीछे हटती है तो देखती है कि पंखरी की आंखों में आंसू। तो एकदम से उन आंसू को अपनी होठों से, अपनी लबों से पी लेती और बोलती कि यह आंसू बहुत कीमती है, ये आंसू ऐसे थोड़ी ना बहा देंगे आप, ये कीमती चीज़ों को ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए मत बहाया कीजिए आप। जो मायशा पंखुरी है वो एक टक मायशा को देखने लगती है, तभी मायशा बोलने लगती है कि मुझे आपसे पता है शायद बहुत पहले ही प्यार हो गया था, लेकिन मैं डरती थी आपके करीब आने से, क्योंकि ज़िंदगी ने मुझे बहुत सारे ठोकरे दिए हैं, उन राहों से मैं बहुत संभाल संभाल के जो निकली हूँ, फिर से वो राहों में से मैं दोबारा चलना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं आपसे दूर रहती थी, अवॉइड करती थी। पर फिर भी आपने
मेरा दिल ले लिया मुझसे, ये बहुत गलत चीज़ कर लिया अपने। तभी एकदम से पंखुड़ी जो है उसके शोल्डर पे मारती है, बोलती कि मैं थोड़ी ना, मैंने अकेले थोड़ी ना लिया है, तुमने भी तो मेरा लिया ना, पहले लिया। तो मायशा बोलती कि अच्छा तो आपको मुझसे पहले प्यार हो गया था। तो पंखुड़ी बोलती कि ये भी कोई पूछने की बात है, मुझे ही पहले तुमसे प्यार हुआ था, वो भी फर्स्ट जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था। हाँ तब एक हुआ था, लेकिन तब तक मैं समझी नहीं थी, वो तो बाद में समझी मैं। तो एकदम से जब मायशा फिर से उसकी नीज़ में बैठने लगती है, तभी एकदम से पंखुड़ी उसको उसके हाथ पकड़ लेते, बोलती कि मत करो ये प्लीज़, एक तो ये साड़ी पहनी है तुमने, मुझे पता है साड़ी में नीज़ में ठीक से नहीं बैठा जाते। तभी एकदम से मायशा बोलते आपके लिए तो जान भी हाजिर है। तभी पंखुड़ी एकदम से उसकी मुंह पे हाथ रखते बोलती कि जान नहीं है चाहिए, ये जान सिर्फ मेरा है, मेरे लिए जान देने की बात बिल्कुल मत करो। तुम्हारी दिल में ये सांसें जब तक चलती रहेगी ना, मानो कि पंखुड़ी की भी सांसें तब तक है। तभी एकदम से मायशा उसे टाइटली हग कर लेती है और बोलती कि आई लव यू। तभी एकदम से पंखुड़ी भी उसे बोलता है आई लव यू मोर मोर एंड मोर। तभी मायशा बोलती कि पता है मुझे। ये लोग वैसे ही कुछ देर तक वैसे ही हक किए रहते हैं, तभी एकदम से पंखुड़ी उसे छोड़ती है और बोलती कि ये बताओ ये तुमने किया कैसे, और मैं तुम तो मेरे साथ ही थी। तभी वो एकदम से बोलती कि एक्चुअली मैं तो थी आपके पास, लेकिन ये ना मैंने सुबह ही किसी को बोल दिया था। तो बोलते अच्छा किसको बोला? तो बोलती कि है यहाँ पे कोई एक बच्चा पार्टी है, तो उन लोगों को मैंने पैसे दिया और उन लोगों को थोड़े एक्स्ट्रा भी दिया कि चॉकलेट वगैरह खा ले, लाइटिंग वाइटिंग वो तो मैंने खरीद के दे दिया था। तो मैंने कहा कि कितने बजे ये करना है, तो वो लोग कर दिए। तो बोलते अच्छा बड़े चालाक हुआ। तो बोलते कि हाँ। बोलते अच्छा। तभी ये लोग जो है वहाँ पे खड़े रह के उस लाइटिंग की तरफ देख रहे थे। जो मायशा है उसे साइड से जो है पंखुड़ी को हक किए हुए थे। तभी एकदम से जो है पता नहीं बारिश का मौसम तो नहीं था उस वक्त जैसे उन्होंने कहा, लेकिन फिर भी जो है एकदम से बिजली जब एकदम से गरजती है तो पंखुड़ी को ना बिजली से थोड़ा सा घबराहट होती है, तो एकदम से वो मायशा को हर्प कर लेती है। तो मायशा बोलती कि संभाल के घबराइए मत मैं हूँ। तो बोलती कि ये बारिश आएगी क्या? तो बोलती कि पता नहीं शायद हाँ। ये हाँ बोलते बोलते जो है एकदम से बारिश जो आ जाती है, ये लोग जो है एकदम से साइड में चले जाते हैं जो टेरेस के दूसरी तरफ, जहाँ पे एक जो ग्लास के जो शीट थी उसके नीचे खड़े हो जाते हैं। तो एकदम से ठंडी ठंडी हवा भी जो एकदम से आने लगते। तो मायशा ना तो पहनी थी भाई साड़ी, वो भी वाइट कलर की, और क्योंकि पानी बारिश जो है इनके ऊपर थोड़ी बहुत थी, भागते भागते तो थोड़ा सा तो हल्का हल्का बारिश के बूंदे तो थी। तो पंखुड़ी एकदम से देखती कि मायशा की फेस पे जो बारिश की बूंदे थी ना, वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उसकी साड़ी भीग चुकी थी, तो वो भीगने के बाद होते हैं ना कपड़े थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं इसको, चिपक जाता है बॉडी के साथ, तो थोड़ा सा होती तो वो इतनी ज़्यादा हॉट लग रही थी पंखुड़ी। तो पंखुड़ी जो है बस घूर के जो है मायशा को देखने लगते हैं। मायशा पहले इधर उधर देखती, तभी उसकी नज़र भी एकदम से पंखुड़ी की नज़रें से जाके मिलती है। तो पंखुड़ी जो मायशा एकदम से बोलती कि क्या देख रहे हो? तो पंखुड़ी बोलती कि तुम ना पता नहीं इस अंदाज में मार ही ना दो मुझे। तो भी बोलती कि क्या बात बोल रहे हो, ऐसे बात मत बोलो। तो बोलती कि क्या करूँ ये तुम्हारी। तभी वो एकदम से उसकी करीब जाती है
और उसके जो है गालों में से एक बार कुछ बारिश की बूंदें जो एकदम से नीचे आ रहे थे, एकदम से जो पंखड़ी है उन बारिश की बूंदों को अपनी लबों से पी जाती है। तभी मायशा की भी दिल की धड़कन एकदम तेज हो जाती है और एकदम से बोलती कि क्या कर रही हो आप, हम टेरेस पे है कोई, तो बोलती कि अंधेरे में कौन देखेगा ये बताओ। तो मायशा फिर से चुप हो जाती है। तभी पंखुरी जो है एकदम से मायशा को उसकी कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींचती है। तो जब एकदम से खींचती है और इतनी टाइटली, तो मायशा की मुंह से आह निकल जाती है। तो पंखुरी बोलती कि इतनी हॉट किस लिए बनी जरा ये बताओ। तो मायशा जो बोलती कि आपके लिए ही तो था ये, एक्चुअली पार्टी के लिए नहीं था, मुझे आपको प्रपोज करना था तो इसलिए पहने। तो पंखुरी एकदम से उसकी फेस की तरफ देखती है और बोलती कि अच्छा, तो पहले नहीं बता सकती थी, पहले गुस्सा दिलाती हो फिर ये सब करके मेरी गुस्से को पिघल भी लेती हो। तभी मायशा तो बोलती कि तो आप ये गुस्सा मत करो ना। तो बोलते अच्छा, साड़ी तुम पहनो, लोग तुम्हें घूर घूर के देखे और मैं गुस्सा ना हूँ वारे, और हाँ लोग तो तुम्हें तुम्हारे साथ बातें करना चाहते हैं, तुम्हारी साड़ी की तारीफ करते हैं भाई, यहाँ तो बहुत सारे लोग थे ना, तुम्हारे पास ही क्यों आए ज़रा ये बताओ। तो मायशा बोलती कि आप ना गलत दिशा में जा रहे हैं, वो टॉपिक हम चेंज कर चुके हैं। तो बोलते अच्छा, तो कौन सा टॉपिक में आना चाहती हो आप। तभी एकदम से जो है मायशा एकदम से बोलने ही वाली थी कुछ, तभी एकदम से पंखुरी जो उसकी सर से पकड़ते और उसे अपनी तरफ खींचती है और एकदम से उसे किस करने लगती है। उसकी किस में इतनी ज़्यादा वाइल्डनेस थी ना कि वो किस कम और काटती ज़्यादा है। तभी एकदम से मायशा बोलती कि अरे काटो तो मत, मेरे होठ में निशान आ जाएंगे। तभी बोलती कि बनता तो है, तुम्हें इतनी खूबसूरत होने की कोई हक नहीं है। तभी मायशा बोलते अच्छा, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, तब तक अपना ध्यान रखो और अपनों का भी ध्यान रखो, और हमें कभी कभार दुआओं में याद कर लेना भाई, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, तो चलिए खुदा हाफिज़, बाय।